श्रावण या चौमासा में हमें से काफ़ी लोग अनियन एंड गार्लिक नहीं खाते, तो आज मैं आपके साथ चार ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो आप बिना अनियन एंड गार्लिक के भी बहुत इजीली एंड टेस्टी तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले बनाएंगे दही एंड बेसन के कोफ्ते। बेसन के कोफ्ते बनाने के लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा तेल डालना है, इंग्रेडिएंट्स ध्यान से देख लीजिए जितनी मेजरमेंट्स मैंने डाली है। इसके बाद हल्दी एंड रेड चिलीज, धनिया पाउडर, थोड़ा सा हींग एंड नमक डाल के इसके कोफ्ते बना लेंगे। अगर आप चाहें तो राउंड कोफ्ते भी बना सकते हैं, मैंने ट्रायंगल बनाए हैं। अब इन्हें मीडियम आंच पर फ्राई करना है इस तरीके से। अब एक पेस्ट बना लेंगे, तेल के अंदर बेसन भून के थोड़ा सा अदरक मेथी दाना जो इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं वो ध्यान से डाल के इन्हें अच्छे से सिम पे भून लेना है। अब इसके अंदर डालना है दही, थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसके बाद डालेंगे जो हमारे बेसन के कोफ्ते थे अच्छे से बॉईल डालेंगे एंड सर्व करेंगे राइस एंड चपाती के साथ। शादियों में ना एक बड़ा सा तवा लगा हुआ होता है और वो जो आदमी होता है बीच में थोड़ी सी सब्जियां लेके एक स्पेसिफिक मसाला डालता है उसके अंदर, जिससे ये सब्जियां बहुत टेस्टी लगती हैं। आज वही मसाला मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने भिंडी डाली है, आप कोई भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं। भिंडी को इस तरीके से काट के अच्छे से फ्राई कर लेना है, आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। अब आती है उस मसाले की बारी जिसके अंदर डली हुई होती है दही, ब्रेड क्रम्स, धनिया, गरम मसाला, हींग, भुना हुआ टमाटर, उसका पेस्ट बना के इस तरीके से बेस मसाला बना लेना है। अब थोड़ा सा तेल गरम करके इसके अंदर ऐड कर देना है जीरा, थोड़ी सी हींग। सब्जी क्या बनाओ इस चीज़ के लिए परेशान होते हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलें। मैं शेयर करती हूँ ढेर सारी इजी सब्जियां खास आपके लिए, तो थोड़ी सी रेड चिलीज एंड थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड कर देना है इसके अंदर। लो फ्लेम रखना है, हल्दी डाल के थोड़ा सा भून लेना है इस मसाले को। इसके बाद इसके अंदर ऐड कर दें जो हमने बनाया था। इसके अंदर आप पनीर भी ऐड कर सकते हैं, बहुत टेस्टी और इजी वाली सब्जी बन जाती है। अब इसे बहुत अच्छे से भुनने के बाद इसके अंदर भिंडी ऐड करेंगे एंड गर्मा गर्म सर्व करेंगे राइस एंड चपाती के साथ एंड इट्स रेडी। चलिए इस नवरात्रि बनाते हैं व्रत वाले मलाई के कोफ्ते, जिसके अंदर अनियन, टोमेटोज, गार्लिक कुछ भी नहीं डाला हुआ है। अगर आप चाहें तो रेड चिलीज भी स्किप कर सकते हैं, टेस्ट में बिल्कुल कोई फर्क नहीं आता। दिए हुए इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स करने हैं, जैसे कि पनीर, धनिया, आलू, अदरक, ग्रीन चिलीज, जीरा, सॉल्ट टू टेस्ट। इसके बाद इसके अंदर गरम मसाला ऐड करना है जो कि बिल्कुल भी ऑप्शनल है एंड कोई भी व्रत का आटा इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं बाइंडिंग के लिए। अच्छे से इसे सॉफ्ट डो में बाइंड कर लेना है। अब इसे हम शेप देंगे, लेकिन इसके पहले इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ताकि जो हमारे कोफ्ते हैं थोड़े से रिच बने। अब कोफ्ते बनाने के बाद इन्हें मध्यम आंच पर फ्राई करके साइड में रख देना है इस तरीके से। अब जो तेल है एक्सेस तेल उसे ड्रेन कर लेना है। बाकी के तेल में डालना है थोड़ा सा जीरा, अदरक एंड ग्रीन चिली का पेस्ट। अब इसके अंदर डालेंगे कोकोनट का पेस्ट, आधा कप ताज़ा कोकोनट का पेस्ट लिया है मैंने। नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा जीरा पाउडर एंड गरम मसाला पाउडर एंड रेड चिलीज, तो आप रेड चिलीज एंड गरम मसाला स्किप कर सकते हैं, बहुत अच्छे से भून लेना है। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे काढ़ा वाला दही, अगर आपके पास दही नहीं है तो आप मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे से भून लेना है। भूनने के बाद इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, इस तरीके से भूनना है जब तक जो हमारा मसाला है वो तले को स्टिक करे। पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर हम कोफ्ते ऐड करके सर्व कर देंगे। इसे खाने के बाद जो मुंह में मक्खन वाला टेक्सचर आता है और जो ये मसाले डाले हैं मैंने इसके ऊपर, इसकी वजह से ये दाल बहुत यूनिक बनती है। सब बनाने में बहुत सिंपल है, लेकिन जो इसके मसालों की ट्रीटमेंट है और इसे बनाने का जो तरीका है, इसकी वजह से ये दाल बहुत टेस्टी लगती है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सिंधी माखनी दाल की रेसिपी। सबसे पहले सोख दाल डालनी है पानी में, मूंग दाल यूज़ करनी है जो मसाले में डाल रही हूँ, बहुत ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद उबाल आने के बाद जो इसका एक्स्ट्रा फर्स है, झाग है, वो निकाल के एक चम्मच घर का मक्खन डाल के इसे ढक के कुक करना है, तब तक जब तक जो हमारी दाल है अच्छे से कुक हो जाए। इसे सिपरी में या किसी बर्तन में ही कुक करें, प्रेशर कुक ना करें, इसका टेस्ट आधा हो जाता है। अब इसके ऊपर डालनी है रेड चिलीज, जीरे का पाउडर, इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे आमचूर, थोड़ी सी काली मिर्च और स्पेशल सिंधी गरम मसाला। इसकी रेसिपी चाहिए।